हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, कैसे हैं आप लोग। आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन टॉपिक आपका शुरू किया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, और इसके बाद फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका था, और उम्मीद है कि आपको वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का हमारा इसी क्रम में जो टॉपिक आता है वो है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। आज का वीडियो इस टॉपिक में आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि यदि कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के पूरा होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में बताए गए कंटेंट्स जो हैं वो बहुत इजी हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड और आपको समझ में आ जाता है, तो उसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलते हैं आज के हम इसी फ्रैक्शन टॉपिक के अंदर, जो हमारा आगे का इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में कब होता है। तो ए फ्रैक्शन, कोई भी एक फ्रैक्शन जो है इज इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। अदर देन वन, अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक फ्रैक्शन, सपोज कर लीजिए हमारा ये फ्रैक्शन जो है वो एक्स अपॉन वाई है, क्लियर। तो कोई भी एक फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, वो अपने लोएस्ट टर्म में होता है अगर उसका न्यूमरेटर यानी कि ये ऊपर वाला एक्स, ये न्यूमरेटर और उसका जो डिनोमिनेटर है, इनका कॉमन फैक्टर जो है वो वन के अलावा दूसरा ना हो। तो यहां पर कॉमन फैक्टर का मतलब आप पहले समझ लें, कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों के फैक्टर्स निकालें तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन आएगा वो वन आएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर वन के अलावा और किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यानी वन को ही ये डिवाइड करेगा और वन को ही ये डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये टू को डिवाइड कर रहा है तो ये भी टू को डिवाइड करे, ये थ्री को डिवाइड कर रहा है तो ये भी थ्री को डिवाइड करे, नहीं, केवल वन ही एक ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तब उस कंडीशन के अंदर ही आपका वो लोएस्ट टर्म में माना जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर 3/5। अब 3/5 की अगर आप फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर वन है और थ्री है, इसका फैक्टर वन है और फाइव है, तो दोनों में कॉमन क्या आया, वन आया। इसीलिए ये 3/5 जो है ये फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। आगे समझ में, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर का लोएस्ट टर्म, अगर हमें उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 144/180 आपके पास एक फ्रैक्शन है, क्लियर। इसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपल सा तरीका यह है कि हम क्या करते हैं कि 144/180 का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। क्या निकालेंगे इसका, हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह होता है कि इसके और इसके दोनों के जो अलग अलग फैक्टर्स होंगे उसमें सबसे बड़ा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इन दोनों को ही डिवाइड कर दे, वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर समझें कि 144 और 180, यानी 144 और 180, इन दोनों को अगर हम इनके अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं, ट्री मेथड से निकालें या आप डिविजन मेथड से निकालें, किसी से भी निकालें, अगर हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं तो जो इनके फैक्टर्स आएंगे उन दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो कि इन दोनों को ही डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको निकालते हैं, यहां से शुरू करते हैं, वन से सबसे पहला फैक्टर तो आपका यही होगा, यहां भी दूसरा आपके पास आ गया टू, ये टू से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहां से टू करेंगे तो ये 90 आ गया। इसके बाद फिर आप टू से कर लें, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इसको आप टू से कर लें तो ये आ गया आपके पास में कितना, 45। फिर आप टू से कर लें आप इसको, ये आ गया आपके पास 18,
यहां पर आप t2 से होगा नहीं, तो आप इसको 3 से कर सकते हैं, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, आप इसको फिर से 2 से कर लें, 2 नाइन जा 18, यहां पर कर लें आप इसको 3 से, 3 फाइव जा 15, आप इसको कर लें, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 थ्री जा 9, 3 वन जा, अब यहां पर चला गया 5 से चला जाएगा 1, क्लियर। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर आएंगे, 144 का जो फैक्टर आएगा आपका 2, इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके अलावा आपका ये 9 हो गया, 18 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया, और कौन सा हो गया, 144, क्लियर। अब देखिए 180 का कौन सा हुआ, 1, ये इनमें सब में हम कॉमन ले लेंगे 2, ये कॉमन ले लेंगे 3, 2, 3, इसके बाद ये देखिए 5, 5, उसके बाद 15, 45, और 45 से पहले एक चीज और भी है, ये 36 से भी हो जाएगा, ठीक 90 हो गया आपका, और इसके बाद हो गया 180, क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में 72 भी कॉमन नहीं, 90 भी कॉमन नहीं है, दूसरा कौन सा कॉमन है, 36, ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, और 1 कॉमन है, यही तो फैक्टर्स कॉमन है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी 36 सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, इसीलिए ये जो हाईएस्ट, इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ये आपका HCF है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 144 डिवाइडेड बाय 36 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 36, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अब डिवाइड करके देखिए, 36 से डिवाइड कर दीजिए 144 को, तो 4 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 4 जा 12 144 आ गया, आंसर कितना आया 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, देखिए 36 इनटू 5 करके देखिए 6 5 30 0 3 15 और 180 आ गया, तो आपका इसका यानी कि 144 अपॉन 180 इसका जो लोएस्ट टर्म है वो ये है, क्योंकि अब ये इस कंडीशन में है कि इन दोनों का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करे, वो केवल 1 होगा और दूसरा नंबर नहीं होगा, इसलिए ये अपने लोएस्ट टर्म में निकल आया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी आपके पास फ्रैक्शन x अपॉन y है, यहां पर x और y का मतलब वेरिएबल है, यहां पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, x की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, y की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, x अपॉन y अगर आपके पास में कोई एक फ्रैक्शन है और इसको अगर आपको लोएस्ट टर्म में फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर आप इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर अपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड y डिवाइडेड बाई HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड एंड डिनोमिनेटर, तो ये जो है आपका लोएस्ट टर्म होगा, लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन x अपॉन y। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ये तो है फ्रैक्शन ऑफ लोएस्ट टर्म आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपेयरिंग फैक्टर्स। अभी तो ये हुआ कि फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म निकालना है तो कैसे निकालना है, अब अगर हमें फ्रैक्शंस का कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग
फ्रैक्शंस। अब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब यह होता है कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। जहां पर भी कंपेयरिंग की बात आती है तो वहां पर यह देखते हैं कि फ्रैक्शन आपका कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी ग्रेटर एंड स्मॉल। अगर हम कंपेयरिंग की बात करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, ग्रेटर एंड स्मॉलर। सिंपल सी बात है, अगर दो फ्रैक्शन आपको दिए गए हो, एक फ्रैक्शन आपको x अपॉन वाई दिया गया हो और दूसरा अगर आपको दिया गया है u अपॉन v दिया गया है, और इन दोनों ही फ्रैक्शंस के बीच में आपको निकालना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो सिंपल सा एक तरीका ये होता है कि ये तो इसका डिनोमिनेटर हो गया, ये इसका न्यूमिनेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है, तो आपको क्या करना है, इक्वल द डिनोमिनेटर, क्या करना है, इक्वल द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आपको बराबर करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर को जब आपको बराबर करना है तो उसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, कैसे बराबर होगा डिनोमिनेटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्लियर, पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया कि इक्वल द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वल करना है, और कैसे इक्वल होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, सॉरी, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यहां मैं थोड़ा गलत बता गया आपको, सॉरी, डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम निकालना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं निकाला, इसका और इसका, डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। अभी आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लिया, एक काम आपका हो गया, दूसरी बार में आपको क्या करना है, डिवाइड डिवाइड द डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच रेशनल नंबर, ईच फ्रैक्शन सॉरी डिवाइड द एलसीएम, एलसीएम ऑफ ईच फ्रैक्शन, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली एक के बाद दूसरा, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, कैसे, अब ये कैसे, ये ऐसे कि मान लीजिए एलसीएम आपका आ गया, तो आपको क्या करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाई बाय, ठीक, और एंड एलसीएम डिवाइडेड बाई वी, ये देखिए वाई और वी डिवाइड कर दिया आपने, इसके बाद इसका जो आंसर निकल करके आएगा, इसका जो आंसर निकल करके आएगा, यानी जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा आपके पास में आंसर, और इसका जो आंसर होगा उसको आप क्या करोगे, इसके आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से दोनों में, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना है, और इसका आंसर क्या आएगा, कोशेंट, जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कोशेंट मिलता है, यानी इसका कोशेंट और जो इसका कोशेंट होगा, इन दोनों के दोनों की कोशेंट को इसी, इससे और इससे बारी बारी से क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द कोशेंट, मल्टीप्लाई द कोशेंट, मल्टीप्लाई द कोशेंट विथ द न्यूमरेटर, विथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स रेस्पेक्टिवली, एंड डिनोमिनेटर्स रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। क्लियर, क्लियर कर दिया, तो क्या होगा फिर इससे, अब इससे होगा क्या,
इससे होना क्या है, फोर्थ पॉइंट में फिर क्या होगा, जैसे ही आपने एलसीएम एलसीएम को डिवाइड किया इनके डिनोमिनेटर से बारी बारी से और उसके क्वोशेंट को आपने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, दिस अटेम्प्ट विल मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, विल मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, वो क्या करेगा, डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देगा, ठीक है। नाउ टू कंपेयर, आप कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, टू कंपेयर चेक यहां पर आप कर ले, नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स, द ग्रेटर वन द फ्रैक्शन विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन, वो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन, ठीक है। ये पांच स्टेप्स आपको करने हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं फटाफट, कंपेयर करना है, ग्रेटर और स्मॉलर आपको बताना है, आपके पास दो फ्रैक्शन है x अपॉन y एंड u अपॉन v, इसमें x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है, इसमें u न्यूमरेटर है y v आपका जो है वो डिनोमिनेटर है। सबसे पहले आपको करना इक्वल द डिनोमिनेटर्स, अब आपको दोनों नंबर्स को इक्वल करना है, वो आप कैसे इक्वल करेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर के आप दोनों को इक्वल कर दें, आप पहले सबसे पहले उसमें इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम लेना है दोनों डिनोमिनेटर्स का, यानी इन दोनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है। इसके बाद क्या करोगे, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर से आपको बारी बारी से क्या करना है, इस एलसीएम को डिवाइड करना है। ये जैसे आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से आपको जो आंसर मिलेगा वो क्वोशेंट होगा, मल्टीप्लाई द क्वोशेंट, तो अब उस डिवाइड करने से जो आंसर क्वोशेंट आया है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना है विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली, बारी बारी से इसमें और इसमें, इसमें और इसमें आपको कर देना, जिस इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करने से जो क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट को यहां मल्टीप्लाई करो और यहां मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली इससे डिवाइड करने से एलसीएम को जो क्वेश्चन आएगा उसको यहां मल्टीप्लाई करो और यहां मल्टीप्लाई करो, क्लियर। अब जब इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस अटेम्प्ट आपका ये प्रयास विल मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, उससे क्या होगा, ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपके इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये इक्वल हो गए तब आपको क्या करना है, नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स, आपको ये दोनों न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेना है, द फ्रैक्शन विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन, वो कंपेयर करने में बड़ा होगा। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, मैं यही सारे स्टेप्स में फॉलो करता हूं और फिर देखेंगे कि ये कौन सा बड़ा है। ये अगर आपने नोट नहीं किया है और नोट करना चाहें तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, हमारे पास एक ये हो गया और हमने लिखा विच इज लार्जर, क्वेश्चन हम यहां पर डाल देते हैं विच इज लार्जर 3/4 और 5/12, क्लियर। पहले स्टेप में क्या करना था, डिनोमिनेटर इक्वल करना था, तो हम सबसे पहले स्टेप के अंदर करेंगे इक्वल द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना, एलसीएम लेना था। नाउ फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिएगा 4 और 12 6 3, तो कितना आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 12, इसका एलसीएम आ गया, ओके ये इसका एलसीएम हो गया 4 एंड 12 का एलसीएम, ये हो गया 4 एंड 12 का एलसीएम आपका 12 आ गया। अब हमें दूसरे स्टेप पे क्या करना था, इस एलसीएम से इसको और इसको डिवाइड करना था। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिवाइड
द एलसीएम, ठीक है, बाय द डिनोमिनेटर्स, बाय द डिनोमिनेटर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, तो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 एंड 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 आ गया। आप क्या करेंगे, तीसरे में क्या करना था हमको, ये आपके पास में क्वोशेंट है, ये भी आपके पास में क्वोशेंट है। नाउ मल्टीप्लाइंग द क्वोशेंट्स विद द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स रेस्पेक्टिवली। जो पहले वाला है वो पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, 3 अपॉन 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 4, 3 इंटू 3 4 इंटू 3 एंड 5 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 1। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, यहां पर फाइनली वी हैव आपके पास में क्या आया, 9 अपॉन 12 एंड 5 अपॉन 12। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब यहां पर हेयर 9 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो गया, देयरफोर 9 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 12। तो 9 अपॉन 12 किससे निकल के आया था, 3 अपॉन 4 से, ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट 3 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 12। ये देखिए आपका ये कंपैरिजन हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो का आप एक बार और देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब हमको कंपेयरिंग करनी है तो किस मेथड को हमें फॉलो करना है और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है। ठीक है, यहां पर ही आपका हो गया कंपेयरिंग फैक्टर्स। और अब हम आपको एक और एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है हमको। हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, वी हैव हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो है 7 अपॉन 6, 5 अपॉन 9 एंड 5 अपॉन 12। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। आपको बताया था मैंने कि अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट होंगे वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा, और जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होता है। पहले तो ये समझने की जरूरत है आपको। तो आप ये देखें कि अनलाइक से जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात यह है कि हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, क्योंकि जब हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी इससे पहले जब मैंने कंपैरिजन का आपको बताया था तो उसमें मैंने एक ही बात बताई थी कि डिनोमिनेटर सेम करने का एक ही तरीका होता है कि आप इसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम इसका, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड
12, क्लियर। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पर 6 है, 9 है, 12 है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर से, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो हम सबसे पहला प्राइम नंबर 2 लेते हैं, 2 थ्री 6, 9 होगा नहीं, 2 6 12। अब इसको आप 3 से भी 2 से एक बार फिर ले लीजिएगा, 3 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आ जाएगा 3। अब आप फिर से इसको देख लें, 3 से ले लें, 3 वन जा, 3 थ्री जा, 3 वन जा, 3 से लें 1 1 और 1। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 जा 4, और जे 12, और 12 थ्री जा 36, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम यहां पर क्या आ गया, इज इक्वल टू 36। अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है, इक्वेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 से 36 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 7 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 6। इसके बाद में 5 अपॉन 9, वही तरीका है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 फोर जो 36 आता है, तो जो क्वोशेंट आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, 5 अपॉन 12, 36 को 12 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशेंट मिल गया आपका कितना, 3, तो 5 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 3, इसका क्या आ जाएगा, 42 अपॉन 36, इसका क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 36, और इसका आ जाएगा 15 अपॉन 36, ठीक है। तो क्लियरली बिल्कुल साफ हो गया, 42 अपॉन 36, 20 अपॉन 36 एंड 15 अपॉन 36 आर लाइक फ्रैक्शंस, आर लाइक फ्रैक्शंस, ये लीजिए। अनलाइक फ्रैक्शन को हमने लाइक फ्रैक्शंस में बदल दिया, ये देखिए बदल दिया, कैसे बदला, सेम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, उसके बाद एलसीएम को बारी बारी से इनके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट मिला उस क्वोशेंट को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए यहां पर हमने 36 को इस 7 अपॉन 6 के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो 6 6 से 36 क्वोशेंट मिला हमको, 6 6 का हमने यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी मल्टीप्लाई किया, हमको मिल गया 42 अपॉन 36। सिमिलरली हमने 36 इस एलसीएम को फिर से दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4 का हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, हमें आंसर मिल गया 20 अपॉन 36। यहां पर फिर से हमने इस 36 को तीसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12 3 से 36, नीचे 3 आ गया, और इसी 3 को हमने जो क्वोशेंट मिला 3 हमको, इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 15 अपॉन 36। अब देखिए 36 36 36 डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो ये आपके पास जो है लाइक फ्रैक्शन बन गया, और ये बना किससे, इससे बना, अंडरस्टैंड। और इनकी प्रत्येक की वैल्यू भी ये बराबर है, यानी 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू 42 अपॉन 36, इक्विवेलेंट है ये, इनकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन क्या है, हमने इसको अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो वापस ही 7 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया विदाउट altering द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका आज की क्लास, यहीं पर रोक रहा हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ एडिशन सबट्रैक्शन आपको फ्रैक्शंस के ऊपर बता करके इसके बाद में फिर आपके लिए एक एक्सरसाइज हम छोड़ेंगे जिसे आपको करना है। और आप, अगर आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया हो और आपको लगा हो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।